श्रीकाल रंगला टीवी देख रहे दर्शकों का मैं सिमरन कौर स्वागत कर दिया लेके हाजिर हाँ खबर का है बुलेटिन। सब तो पहला नजर मार दिया अज दिया सुर्खियां ते पंजाब विधानसभा विच बजट किया गया पेश वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने किया है बजट पेश। अकाली दल ने वित्त मंत्री की कोठी बाहर किया प्रदर्शन किसानों की खुदकुशी के मुद्दे से अकाली दल ने किया है प्रदर्शन। प्रदर्शन में विक्रम मजीठिया भी सी शामिल। पुलिस ने विक्रम मजीठिया गोदी चुक के किया पासी। भाई ढड्डरिया वाले ने दी जथेदार चुनौती चैनल से बैठ के दोवे मेरे सवालों का देन जवाब यह कहना है ढड्डरिया वाले का। भाई साहब ने जथेदार के नकली निरंकारी वाले बयान से जताया इतराज। फरीदकोट विखे पहुंचे भगवंत मान पिंड पक्की कलां दे लोकां नाल कीती विचार चर्चा। भगवंत मान ने व्यंगमई तरीके नाल बादल परिवार ते कसे तंज। किसान जथेबंदियां ने मानसा विखे कीता रोस प्रदर्शन। मोदी ते अमित शाह दे खिलाफ कीती नारेबाजी। दिल्ली विच मोदी सरकार ने चलाकी नाल ही करवाईयां ने यह हिंसक घटनावां यह कहना है किसानां दा। तरन तारण के नौजवान की दुबई सड़क हादसे में हुई मौत। दो भैणों का इकलौता भरा सी मृतक नौजवान। नौ दिन बाद जद्दी पिंड भैणी पहुंची मृतक दे। लुधियाणा में परिवार को ऑनलाइन गड्डी खरीदनी पई महंगी। ऑनलाइन गड्डी निकली चोरी दी। पुलिस ने गड्डी खरीदने वाले व्यक्ति नु कीता गिरफ्तार। परिवार वाले ने पुलिस प्रशासन से लगाए आरोप। कहा पुलिस ने कुटमार करके ही उन्होंने मैंबर नु मार दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब विधानसभा दे विच पंजाब दा बजट पेश कीता गया ते इह बजट पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने पेश कीता। इस बजट दे विच की कुछ खास है आओ तुहानू वी जाणू करवा दिंदे आं। सब तो पहला गल करदे आं किसानां दी। किसानां दे कर्जे लई 2000 करोड़ रुपए राखवें रखे गए ने ते किसानां लई मुफ्त बिजली भी रहेगी जारी। ते इस तो बिना तरन तारण दे विच लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उत्थे जेकर गल करिए खेडां दी तां खेडां लई 276 करोड़ रुपए राखवें रखे गए ने ते सिक्ख्या लई 1392 करोड़ रुपए रखे गए राखवे। उथे जेकर आप गल करिए पेंडू विकास की तो पेंडू विकास लिए 526 करोड़ रुपए राखवे रखे गए ने। हुण गल करदे आ मोबाइल फोन दस दिए कि मोबाइल फोन दे लई 100 करोड़ रुपए राखवे रखे गए ते उथे हुण पंजाब दे मुलाजमान की सर्विस उम्र भी 60 तो 58 साल कर दिती है ते 12वीं तक के सारे विद्यार्थियों दीआं फीसां भी मुआफ कर दित्तियां ने। बजट पेश करन तो पहला अकाली दल दे पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल दी कोठी दे बाहर रोस प्रदर्शन कीता। दस दिए कि रोस प्रदर्शन किसानों की खुदकुशी के मुद्दे ते कीता गया ते इस दे विच विक्रम मजीठिया ते पीड़ित परिवार भी शामिल सी। इस मौके ते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। उत्थे मौके ते पुलिस ने विक्रम मजीठिया नू गोदी चुक के पासे भी कर दिता पर फिर भी विक्रम मजीठिया पंजाब सरकार मुर्दाबाद दे नारे लगाउंदे रहे। आओ दिखाउंदे आ तुहानू इह तस्वीरां। और दिखाते तो पीड़ित परिवार दी तस्वीरां जो कि इस प्रदर्शन दे विच भी शामिल सी। उत्थे ही प्रदर्शन तो बाद विक्रम मजीठिया ने मनप्रीत बादल नू आड़े हथी भी लिया। विक्रम मजीठिया ने फेसबुक ते एक पोस्ट पाके लिखा कि पुलिस नू सख्त कार्रवाई करन दे आदेश दे के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने खुदकुशी पीड़ित परिवारां दी आवाज़ नू दबाउण लई गुंडागर्दी का सहारा लिया। यह पोस्ट दे विच की लिखिया आओ तुहानू वी दस दिंदे आं। विक्रम मजीठिया ने फेसबुक की इस पोस्ट दे विच लिखा कि वित्त मंत्री दी कोठी दे बाहर अपना रोस प्रगट कर रहे किसान खुदकुशी पीड़ित परिवारां नू जबरन उत्थों हटाउण लई बजुर्गां औरतां बच्चियां ते इत्थों तक के अपाहिज व्यक्तियां खिलाफ पुलिस नू सख्त कार्रवाई करन दे आदेश दे के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने खुदकुशी पीड़ित परिवारां दी आवाज़ नू दबाउण लई गुंडागर्दी का सहारा लिया। यह सचमुच विधानसभा दे इतिहास का काला दिन है क्योंकि विरोधी धिर नू बजट इजलास विच हिस्सा लैण तों रोकण लई कांग्रेस सरकार दे मनप्रीत बादल दे इशारे ते योजनाबंद ढंग नाल अकाली भाजपा विधायकां नू निशाना बनाया गया जो कि पंजाब दे इतिहास विच पहली वार होया। हुण वेला हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक दा। ब्रेक तो बाद एक और फिर तुहाडा सारयां दा स्वागत करदियां खबरां दे इस बुलेटिन विच।
दिल्ली विच आम आदमी पार्टी की जित तो बाद हुण पंजाब विच भी आम आदमी पार्टी अपनी जित ते सुपने लै रही है। 2022 विच सरकार बनाउण दा सुपना संजोई बैठी आम आदमी पार्टी दिल्ली दा मॉडल दिखा के ज्यादा तो ज्यादा लोगों नूं अपने नाल जोड़न लई हुण तैयारी शुरू कर रही है। इस दे चलदे ही अज आम आदमी पार्टी दे पंजाब प्रधान भगवंत मान ने फरीदकोट दे पिंड पक्की कलां दे लोगों नूं संबोधन किया, जिस विच भगवंत मान ने बादलां दे परिवार ते व्यंगमई तरीके नाल अपनी भड़ास कढ़ी। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं भगवंत मान ने मनप्रीत बादल वल्लों पेश कीते गए बजट नूं उन्हां कहा कि बजट इजलास विच बजट घट शेरो शायरी ज्यादा सी। ਕਿਤੇ ਜਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਨਰਲ 2000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆਥਣੇ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਘਲਾੜ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਂਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਰੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਖਾਓ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਖਾ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਟੂਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਪੋਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਨਾ ਮੋਤੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀਰ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਦਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੇ ਨਗਰਤਾ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਾਊਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਹੱਕੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਦਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰੇਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
साड़ी समस्या सारे की सांझी है, वह हल करो। ये समस्या तो मूँह मोड़न की खातर सानू धर्मां दे नौं ते लड़ाया जा रहा है। दिल्ली के दंगे करवाए जा रहे हैं और फिरकू जिहड़े भाषण दिए जा रहे उन्होंने फड़ के अंदर किया जाए, मार मराई बंद की जाए। अज्ज का हुक्का साडा असी आर एस एस भारतीय जनता पार्टी के राज चरकाउण वाले जिहड़े मोदी अमित शाह की जोड़ी है, जिहड़ी हुक्मरान पार्टी है, जे उसके नुमाइंदे एक पुलिस कमिश्नर की हाजिरी के कहें कि धरने पर ठा दो नहीं तो असी आप सीधी कार्रवाई करांगे, तो यह की है? यह सबूत है कि केंद्र की मोदी सरकार दंगे करवाने की सीधी जिम्मेवार है। अज जिहड़ा यह धरना किसान जथेबंदियां वल्लों लाया गया है, मानसा शहर के रोस मार्च किया गया है, वो इस गल लई किया गया कि मोदी अमित शाह की जोड़ी ने जो पिछले दिनों दे विच एक नागरिकता सोध कानून लागू किया है, जिहड़ा नागरिकता सोध कानून घट गिणती लोगों के खिलाफ है, जिहदे कानून के सदका एट ए टाइम मुसलमान भाईचारे के लोगों नू निशाना बनाया होया है, उस दे तहत ही दिल्ली दे विच दो तीन दिनों तो लगातार जिहड़ियां हिंसक घटनावां वापर रही हैं वो इस कानून दे सिट्टा है, क्योंकि दिल्ली दे विच जिहड़ियां हिंसक घटनावां वापरियां हैं वो बकायदा मोदी होरां दी सोची समझी हुई चाल है, उस चाल दे तहत ही मतलब दिल्ली दे विच सारियां घटनावां हुई हैं, जिन्हां घटनावां दे विच 38 लोग जिन्हां दे विच वध गिणती लोग है जिहड़े मुसलमान भाईचारे नाल संबंधित है वो 38 लोग है जिहड़े इन्हां हिंसक घटनावां दे विच मारे गए है, तो बहुत सारे मुसलमान भाईचारे दे घरां नूं फूका गया, उन्हां दीआं दुकानां नूं अग्गां लाईआं गईआं है। इस करके असी अज जिहड़ा इह रोस मार्च कर रहे हां वो इस गल करके कर रहे हैं कि दिल्ली दे विच जिहड़े भी भाजपा दे मंत्रियां ने भड़काहट पैदा करके ये सारा कुछ नुकसान उत्थे मुसलमान भाईचारे का करवाया है, लोगों के कतल होए है, लोगों दियां लत्तां बाहां टुटियां है, उन्होंने जिहड़े दोषी हैगे है भाजपा के तीन चार मंत्री है जिन्हां दे लगातार बयान आ रहे सी कि असी ये सारा कुछ करांगे, उन्हां दे परचे दर्ज करके उन्हां नूं सजावां दित्तियां जाण, ते जिहड़ा कानून है नागरिकता सोध कानून ये छेती तो छेती वापस लिया जाए, इस लई असी अज कर रहे सर। हुण एक बार फिर वेला हो गया छोटे जिहे ब्रेक का। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा सारयां दा स्वागत करदे हां खबरां दे इस बुलेटिन विच। गरीब मावां दे पुत्तर विदेशां विच पैसा कमाउण लई जांदे तां नहीं पर कई बार उन्हां नाल अजिहे हादसे हो जांदे ने कि उह वापस अपने घर कदे नहीं आउंदे। अजिहा ही मामला तरन तारण दे पिंड भैणी विच वेखण नूं मिलिया जिथे दुबई विच गए दो भैणां दे इकलौते भरा दी सड़क हादसे विच मौत हो गई। पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिआं मृतक दे रिश्तेदार ने दस्सिया कि गरीब किसान दा पुत्तर जो दुबई विच रोजी रोटी कमाउण लई गया सी उस दा 20 तरीक नूं सड़क हादसे विच उसदी मौत हो गई, जिस दी मृतक दे 9 दिनां बाद पिंड भैणी विच पहुंची ते जिस दा ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾ ਹਾਦਸੇ ਜੀ ਦੁਬਈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ अपनी जान दे के गड्डी दी कीमत चुकाउणी पई। मृतक दी पत्नी ते रिश्तेदार ने पत्रकारां नूं जानकारी दिंदे होए दस्सिया कि कुछ समा पहलां उन्होंने ऑनलाइन कंपनी तो पुरानी कार खरीदी सी, पुलिस नूं शक सी कि यह कार चोरी दी है। उन्हां बोलदिआं कहा कि पुलिस ने उसके पति नूं जबरदस्ती घरों चुक लिया ते 8 दिन थाने विच कुटमार कीती। दस दिए कि कोर्ट के ऑर्डर मुताबिक उसके पति नूं जेल भेजण लई कहा गया सी पर पुलिस ने चौंकी विच ही रख के व्यक्ति की कुटमार कीती जिस कारण व्यक्ति की मौत हो गई। अहमदगढ़ में कहाँ रहने वाले हैं? अहमदगढ़ में अमरपुरा कॉलोनी गली नंबर 2 में, वही बजाज फाइनेंस में काम करते हैं। फिर ये 8 दिन तक अपने पास रखे, हम लोग को बताया नहीं ना, FIR कोचर मार्केट था।
फिर उसके बाद ये एक शनिवार से एक शनिवार तक रखे, शनिवार को फिर हम लोग गए थे मिलने 22 तारीख को, 22 को हम मिलने गए थे, हमें नहीं उस दिन उन्होंने पेश कर दिया था कि पेश किए कि नहीं किए, हमें बिना बताए पेश कर दिया था उन्होंने 22 तारीख को। पुलिस वाले हम लोग को भी बुलाए, बोलते कि नहीं नहीं चिंता ना करो, मैं मारूंगा, नहीं सब करूंगा, आखिर में मार तो दी, हमें बुलाया मिलने के लिए, वही कोचर मार्केट के थाने में बुलाए थे, चौकी में ही, मैं बोली जसकरण, मैं बोली 8 दिन हो गए नहा के कपड़े चेंज करवा देती हूँ, तो वो लोग वो भी नहीं करवाने दिए। थाने में रखा हुआ, चौकी में रखा, 8 दिन चौकी के अंदर, 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक। फिर कोर्ट में पेश करने के बाद भी हम लोगों को मिलाया, कोर्ट में पेश करने के बाद भी 2 दिन वो लोग रखे उसको। रिचा शर्मा भी आई थी वहाँ पे, जेल जब जज ने बोला कि आज जेल भेजो, तब भी वो लोग जेल नहीं ले गए, फिर कोचर मार्केट या जहाँ भी ले जाके चौकी में ले, थाने में मारे, पूरा मुंह से नाक से हर जगह से ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही थी। जज बोले थे कि अब इनको जुडिशियल में भेज दीजिए, लेकिन वो लोग उस रात नहीं भेजे। वो एक ओएलएक्स से कार खरीदे थे, तो इन लोग वो किसी और को बेच दिए थे, तो पुलिस वुलिस पकड़ी होगी तो बोली होगी ये चोरी की कार है, तो इनको बुलाया फोन करके, तो ये आए तो ये बोले कि मैंने ओएलएक्स से खरीदा है, वो आगे बंदे का ये नाम भी बताए थे कि मैंने इस बंदे से खरीदा है। तो पुलिस वाले जब भी बुलाते थे ये जाते थे, 10-15 ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी 2002 मॉडल है सर, कितने की मिलेगी? मारुति 800 थी, अब जितने की हो। 15 तारीख को खबरां दे इस बुलेटिन विच बस इन्ना ही, जांदे जांदे एक और फिर नजर मार लैंदे आ अज दियां सुर्खियां ते। पंजाब विधान सभा विच बजट कीता गया पेश, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कीता है बजट पेश। अकाली दल ने वित्त मंत्री दी कोठी बाहर कीता प्रदर्शन, किसानां दी खुदकुशी दे मुद्दे ते अकाली दल ने कीता है प्रदर्शन। प्रदर्शन विच विक्रम मजीठिया वीसी शामिल, पुलिस ने विक्रम मजीठिया नूं गोदी चुक के कीता पासे। भाई ढडरिया वाले ने दी जथेदार नूं चुनौती, चैनल ते बैठ के दोवें मेरे सवालों का देण जवाब, यह कहना है ढडरिया वाले का। भाई साहब ने जथेदार के नकली निरंकारी वाले बयान ते जताया इतराज। फरीदकोट विखे पहुंचे भगवंत मान, पिंड पक्की कलां दे लोकां नाल कीती विचार चर्चा, भगवंत मान ने व्यंगमई तरीके नाल बादल परिवार ते कसे तंज। किसान जथेबंदियां ने मानसा विखे कीता रोस प्रदर्शन, मोदी ते अमित शाह दे खिलाफ कीती नारेबाजी। दिल्ली विच मोदी सरकार ने चलाकी नाल ही करवाईयां ने यह हिंसक घटनावां, यह कहना है किसानां दा। तरन तारण के नौजवान की दुबई सड़क हादसे में हुई मौत, दो भैणों का इकलौता भरा सी मृतक नौजवान, 9 दिन बाद जद्दी पिंड भैणी पहुंची मृतक दे। लुधियाणा में परिवार को ऑनलाइन गड्डी खरीदनी पई महंगी, ऑनलाइन गड्डी निकली चोरी दी, पुलिस ने गड्डी खरीदने वाले व्यक्ति नु कीता गिरफ्तार। परिवार वाले ने पुलिस प्रशासन से लगाए आरोप, कहा पुलिस ने कुटमार करके ही उन्होंने मैंबर नु मार दिता है। खबरां दे इस बुलेटिन विच बस इन्ना ही, मैनूं सिमरन कौर नूं दिओ इजाजत, ते देखदे रहो रंगला टीवी। सत श्री अकाल।